कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू योर हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जुलाई की फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Knight of Pentacles, the Empress, Ten of Cups, the Hierophant, Queen of Wands. Excuse me. Okay, Knight of Pentacles. आप expect कर सकते हैं कि कोई लंबे टाइम के बाद वापस आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेगा, या फिर कोई अपनी फीलिंग्स जाहिर करने की कोशिश करेगा आपसे। एंड ये तब हो रहा है जब आपने इसकी उम्मीद छोड़ दी थी। शायद आपका ब्रेकअप एक बहुत बुरे नोट पर हुआ हो, आपने एक दूसरे को बहुत सारी ऐसी बातें कही हो जो भूली नहीं जा सकती। और यहां पर इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा करेज लग रहा है। इस पर्सन के लिए अपने ईगो को साइड रखकर अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बट देन इनके लिए अपनी फीलिंग्स को दबाना भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन घुमा फिरा के आपसे बातें करेगा एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स लेकर आपकी तरफ आएगा, कि वो कुछ चेंज करना चाहता है अपने लाइफ में या आपके लाइफ में या इस रिलेशनशिप के बारे में, और वो आपको ये पेंटिकल ऑफर करना चाहते हैं। ओके, एंड मुझे लगता है कि आप बहुत डाउटफुल हो रहे हैं द एम्प्रेस के कार्ड के साथ कैप्रिकॉर्न, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, शायद आपका ब्रेकअप इतने बुरे नोट पर हुआ था कि आपके लिए ये बिलीव कर पाना मुश्किल है कि इतना कुछ होने के बाद भी कोई वापस आ सकता है। पर ये पर्सन आया है और आप सोच रहे हैं कि क्या वाकई में इसके इरादे नेक हैं या इसके पीछे कुछ और वजह है। ये पर्सन वाकई मुझे मिस कर रहा था इसलिए वापस आया है, इन्हें मेरा लव एंड अफेक्शन चाहिए इसलिए वापस आया है, या कोई और वजह है। क्योंकि टेन ऑफ कप्स के साथ हैप्पी तो है आप कैप्रिकॉर्न इस पर्सन के वापस आने से, और इसकी वजह भी है। ये पर्सन, जितना इन्होंने आपको हर्ट किया था, आप डिजर्व करते हैं कि ये आपको एक तरीके से कंफर्टेबल फील करवाए या अपनी बातों को वापस ले या अपोलोजाइज करे कुछ इस तरीके का, एंड वो चीजें हो रही हैं। तो आप हैप्पी फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि टेन ऑफ कप्स वापस आपके पास आ गया है, यानी लाइफ आपको बहुत कुछ दे रही है। और ये पर्सन भी बहुत खुश है, आपको बहुत सारे ड्रीम्स दिखा सकता है। फिर कार्ड है द हायरोफेंट का। द हायरोफेंट के कार्ड के साथ आप अपने दिमाग का यूज करना चाहते हैं इस वक्त। मुझे नहीं लगता कि आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में हैं। आप जो भी फैसला ले रहे हैं उसके पीछे आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि आप किसी चीज का सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पा रहे हैं, और ओवर थिंकिंग आप कर सकते हैं। आप इस वीक में प्रोन हैं ये करने के लिए, या इस वीक में बहुत जल्दी आपके दिमाग में कोई भी चीजें घर कर जाएंगी और आप उसके बारे में लगातार सोचते रहेंगे। फिर यहां कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप इस पर्सन के लिए परफेक्शन है। इस पर्सन को समझ में आ गया है कि आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता,
आपके जैसा समझने वाला उन्हें कोई और नहीं मिलेगा और उन्हें चीजों को वापस ठीक करना होगा, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी नहीं। ओके, सो यहां पर कप्स है बहुत सारे, हो सकता है आप किसी वाटर साइंस में डील कर रहे हो, पर ये इतना भी जरूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट भी नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Four of Wands, Two of Swords, Eight of Pentacles, the Emperor, and Knight of Cups. यहाँ पर हमारे पास कार्ड है फोर ऑफ वॉन्ड्स का। फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिटमेंट, ये पर्सन आपको कंफ्यूज करके रख देगा। या टू ऑफ स्वॉर्ड्स देख रहे हैं आप, तो ये पर्सन आपको कहने वाला है कि वो आपके साथ एक फ्यूचर चाहता है, आपके साथ कमिटमेंट चाहता है, एंड शायद चाहता भी हो लेकिन आई थिंक आप कन्फ्यूज हैं, आपको अपनी फीलिंग्स कन्फ्यूज कर रही हैं। आप शायद इस चीज में फर्क करने में स्ट्रगल करेंगे कि ये फ्रेंडशिप है या लव है, या फिर आप कुछ और चाहते हैं अपने लाइफ से, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे नहीं लगता कि इस वक्त प्रायोरिटी है आपके लिए लव। आप वर्क में बिजी दिख रहे हैं, शायद आप अपने करियर पे ज्यादा फोकस्ड हैं, आपके पास दूसरे काम है करने के लिए, इस वक्त ये पर्सन आपकी प्रायोरिटी नहीं है। और द एम्परर के साथ आपको ये फील हो सकता है कि ये पर्सन आपको पुश कर रहा है कुछ करने के लिए, किसी कमिटमेंट के लिए, और आपको फोर्स्ड फील हो सकता है, आपको लगेगा कि ये पर्सन आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। नाइट ऑफ कप्स के साथ ये पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आप उनकी बात सुने, आप उनको दोबारा मौका दें, और आप थोड़े से इरिटेट भी हो सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक डायलेमा में फील करेंगे अपने आप को। आपको लगेगा कि इस सिचुएशन से बाहर निकलना इस वक्त आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास दूसरी चीजें भी हैं डील करने के लिए, सिर्फ यही एक इशू नहीं है आपके लाइफ में, और आपके लिए आपका करियर भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये पर्सन अपने आप को नेग्लेक्टेड फील कर रहा है, इन्हें लग रहा है कि दूसरी चीजों ने आपके लाइफ में जगह ले ली है, प्रायोरिटी बन गए हैं दूसरी चीजें या दूसरे लोग आपकी लाइफ में प्रायोरिटी बन गए हैं, और उनका नहीं रहना यहां पर उनको एक फ्रेंड जोन में धकेल चुका है, वहां से वापस आने की ये पर्सन कोशिश कर रहा है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए और कोई मैसेज किया है। Faith, humanity and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. आपको कहा जा रहा है calm रहिए, शांत रहने की कोशिश कीजिए, आपके अंदर जो अच्छाई है उस पर भरोसा रखिए, दूसरों के अंदर जो अच्छाई है उस पर भरोसा रखिए, चीजें खराब नहीं होंगी या चीजें रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाएंगी। See the light in the world.
डार्कनेस में रहने का ये वक्त नहीं है। दुनिया में जो रोशनी है उसको देखिए, पॉजिटिविटी पे अपना फोकस शिफ्ट कीजिए। तो ये थी रीडिंग जुलाई की फर्स्ट वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।